अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, होंडा CD70 2012 मॉडल, इसकी हम आज सर्विस करेंगे। CD70 2012 मॉडल की सर्विस कर रहे हैं जी। ये चेक करें, बैटरी नहीं है, बैटरी की जगह पे एक प्रेशर लगाया हुआ है इन्होंने। हम इसका कार्बोरेटर खोल रहे हैं। ये आज इसका कार्बोरेटर, निकाल लिया। अब हम इसका फिल्टर बाहर निकालेंगे। ये हम इसका फिल्टर बाहर निकाल रहे हैं, चेक करें। एक साइड पे फिल्टर को निकाल रहे हैं और दूसरी साइड पे भाई इसकी इसके व्हील को खोल रहे हैं। सर्दियों में यही मसला रहता है कि जब फिल्टर वाला जो ये जो लोटा है, रबड़ होती है, ये ज़्यादा हार्ड हो जाती है और ये निकलती नहीं है। फिर जब मौसम चेंज हो रहा है तब ये रबड़ हार्ड हो रही है, गर्मियों में ये आसानी से निकल आता है। ये चेक करें, ये इसके अंदर फिल्टर होता है। हम इसको खोलेंगे और इसमें से फिल्टर देखेंगे उसकी क्या हालत निकलती है। अभी जब हम आपको दिखाते हैं इसका फिल्टर, इसका एयर फिल्टर, ये बंद हुआ है फिल्टर। अब हम ये फिल्टर नया डालेंगे इसमें, होंडा का। इसका पहले वाला फिल्टर है वो भी होंडा का ही है, लेकिन ये मिट्टी से भरा हुआ है और ये बंद हो गया। अब हम इसमें नया फिल्टर डालेंगे, होंडा का जनरल फिल्टर। अब हम इसमें होंडा का फिल्टर डालेंगे। ये इसको टेबल चेक कर रहे हैं, ये है इसका पिछला व्हील। टेबल कवर करेंगे, लेके अब हम रिंग नहीं डालेंगे और इसके जो ब्रेक शू हैं वो भी खत्म है, क्योंकि ब्रेक नहीं लगती थी। हम इसके ये ब्रेक शू भी नए डालने लगे। ये इसका हम फिल्टर चेंज कर रहे हैं, होंडा का फिल्टर डालें। यह है जिसकी पिछली लेदर प्लेट, इस पर लेदर फिट होते हैं, उसको माया लगा के उसको कर रहे हैं। अब फिल्टर को हम दोबारा उसके फ्रेम के अंदर डालेंगे, उसको फ्रेम के अंदर वापस फिट करेंगे। इसमें हम पावर कंपनी का लेदर डाल रहे हैं। इसमें हम ये होंडा का आयल डाल रहे हैं, ये होंडा का 2040। ये है जी ओल्ड मॉडल सीडी का कार्बोरेटर, चेक करें। अब हम इस कार्बोरेटर को अच्छी तरह धोएंगे बाहर से भी अंदर से भी, ताकि इसके अंदर जो कचरा है वो भी निकल जाए, साफ़ हो जाए मुकम्मल। ये इसके कार्बोरेटर का हम खोलें, ये चेक करें जी।
ये कार्बोरेटर में ये कचरा है, वो हम इसको धोएंगे अच्छी तरह साफ़ करेंगे, हवा के प्रेशर से इसके जेट वगैरह को सबको साफ़ करेंगे, फिर इसको फिट करेंगे। ये है जिसके पेट्रोल जेट, इनको भी हम हवा से अच्छी तरह साफ़ करके फिर लगाएंगे। ये दूसरी साइड पे इसके भाई व्हील साफ कर रहे हैं, ब्रेक मार की मदद से इसको साफ कर रहे हैं ताकि पकड़ मजबूत हो जाए ब्रेक की। इसके कार्बोरेटर को अच्छी तरह धो दिया है, साफ कर दिया है और आप इसको दोबारा फिट कर रहे हैं। लै के आया कई बार इन्हों को समान हमने इसका प्लग भी वॉश कर दिया है, साफ करके लगा दिया है और इसका व्हील भी साफ करके लगा दिया है, फिल्टर भी साफ हो गया है। इसका ऑयल चेंज करने वाला है अभी, इसका क्लच भी सेट करने वाला है, बाकी नट बोल्ट चेक करने वाले हैं इसके। ये हमने इसका प्लग साइड खोली हुई है, अब हम इसको धोएंगे अच्छी तरह और धो के पेट्रोल से फिर इसको ग्रीस लगाएंगे। ऑयल चेंज करने लगे हैं, अब इसका पुराना ऑयल निकालने लगे हैं। चेक करते हैं इसका ऑयल थोड़ा, चेक करें कितना गंदा ऑयल है। ये जी हमने इसमें होंडा का डाल दिया और अब बाकी इसकी सर्विस मुकम्मल होगी तकरीबन। नट बोल्ट चेक करने वाले ला गए हैं, ये जी इसकी सर्विस मुकम्मल हो गई है और अब हम लिफ्ट को डाउन करके अब हम इसका क्लच स्टार्ट कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करके इसके बाद चेक कर रहे हैं।